दोस्तों आप सभी को तो पता है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो सेल स्टार्ट होने जा रहा है 27 सितंबर से, और इस सेल में भाई अमेजोन में आपको मिल जाएगा आईकू Z9X सिर्फ 12,000 रुपीज से भी कम प्राइस में। और इसी प्राइस में ये फोन आपके लिए कितने अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन होगा वो आपको बताने वालों, क्योंकि इस फोन को मैंने यूज करो लगभग 4 मंथ से ज्यादा टाइम, तो इसलिए मुझे पता है इस फोन में क्या अच्छा ही रहने वाला है क्या बुरा ही रहने वाला है। तो फुल रिव्यू देने वालों और उसके बाद जाके मैं आपको बताने वालों इस अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इस फोन को आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं। तो भाई अगर अपने लेना चाहते हो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो चलो बिना टाइम लेते हुए आज का वीडियो शुरू करता हूँ। हाँ, सबसे पहले इसका लुक से ही शुरू करने वालों, लुक भाई काफी प्रीमियम सा लुक के साथ आने वाले। ऑब्वियसली बैक साइड में फॉली कार्बन बॉडी यूज किया है, फॉली कार्बन बॉडी होने के बाद भी जो लुक प्रोवाइड कर भाई काफी प्रीमियम सा। एक हाथ में मैं लॉन्ग टाइम तक यूज वगैरह भी कर पा था, उसी टाइम भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं लग रहा था। इस फोन में है भाई IP64 रेटिंग, क्योंकि थोड़ा सा वाटरप्रूफ थोड़ा सा डस्टप्रूफ है, अगर आपका फोन थोड़े टाइम पानी के लिए पड़ जाए तो मुझे तो लगता है प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पे जो लुक प्रोवाइड करे काफी प्रीमियम सा। बात करते हैं अब डिस्प्ले के बारे में, इतने दिन तक मैंने यूज करो इसका डिस्प्ले अभी कैसे प्रोवाइड करे। यहाँ पे जो डिस्प्ले प्रोवाइड करे 6.7 इंच FSD प्लस रेजुलेशन का IPS डिस्प्ले, ऑब्वियसली फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आने वाला है, क्योंकि मिडिल में 500 सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। और यहाँ पे 120 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट प्रोवाइड का जो नाम का नहीं है भाई काम का भी है। इजीली मैं इस फोन को यूज कर पाया था, जो एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा था भाई काफी तगड़ा सा। और यहाँ पे 1000 nit ब्राइटनेस रहने वाला है, इसलिए मैं इस फोन को आउटडोर में भी अच्छी तरीके से यूज वगैरह कर पा रहे हैं, वहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। और वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें तो वीडियो क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रहा था, पंची कलर नेचुरल कलर प्रोवाइड किया था, वीडियो क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रहा था। और यूट्यूब का वीडियो आप यहाँ पे 4K में देख सकते हो, और जो क्वालिटी मैं कहने वाला हूँ ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे HDR करके आप इस फोन में वीडियो नहीं देख सकते। बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, कौन सा चिपसेट दिया और इतने दिन तक मैंने यूज जो कर रहा हूँ मेरे को गेमिंग परफॉर्मेंस इस फोन में कैसे मिल रहा है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट दिया है, जो कि भाई 4 NM का चिपसेट है। मेरे पास है 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज, LPDDR4X रैम रहने वाला है, और यहाँ पे UFS 2.2 स्टोरेज मिल जाएगा। नॉर्मल यूज के लिए मैं कहने वाला हूँ भाई काफी तगड़ा सा रहने वाला है। मैं व्हाट्सअप, फेसबुक, मैसेंजर ये सारे एप्लीकेशन को जब ओपन वगैरह कर रहा हूँ तब मेरे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, निराश नहीं कर रहा है भाई फोन। जल्दी जल्दी ऐप वगैरह को ओपन करता है, रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस फोन में। और इस फोन में मैं BGMI गेम को 40 FPS में अच्छी तरीके से प्ले किया था भाई, गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को ठीक ठाक लग रहा था। जो 40 FPS में गेमिंग परफॉर्मेंस मैं कहने वाला हूँ काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस फोन में। तो अगर अपने नॉर्मली गेम प्ले करना चाहते हो इस फोन में आप इजीली गेम प्ले कर सकते। बात करते हैं आप बैटरी बैकअप के बारे में, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा हाईलाइट फीचर है भाई बैटरी। बैटरी बैकअप सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला है 6000 mAh की बैटरी। और अगर आपने नॉर्मली यूज करोगे तो भाई 2 दिन से ज़्यादा टाइम आप ऑब्वियसली इस फोन को यूज कर सकते हो। तो बैटरी बैकअप मैं कहने वाला हूँ काफ़ी तगड़ा सा रहने वाला है, और इस फोन को भी मैं जल्दी चार्ज कर पाया था, क्योंकि यहाँ पे 44 वाट का चार्जर प्रोवाइड करे, इसलिए मैं इस फोन को जल्दी भी चार्ज कर पाया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप रहने वाला है काफी तगड़ा सा। बात करते हैं अब कैमरा के बारे में, बैक साइड में रहने वाला भाई डुअल कैमरा, 50 MP का मेन सेंसर और एक डेप्थ सेंसर। सेल्फी में मिल जाएगा 8 MP का सेल्फी कैमरा, साइड में आप 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड फोन साइड में Full HD 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। चलो मैं कुछ आप लोगों को इस फोन का कैमरा का पिक्चर क्वालिटी दिखा देता हूँ। देख सकते हो बैक कैमरा का जो सिंपल पिक्चर क्वालिटी, फोटेक पिक्चर क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रहा है। तो कैमरा मुझे इतना खास नहीं लगा और इतना बुरा भी नहीं लगा, ठीक ठाक लग रहा है। और सेल्फी कैमरा मैं कहने वाला हूँ ठीक ठाक रहने वाला है इस फोन में। यहाँ पे जो फंटस OS का लेटेस्ट अपडेट भी मिल जाएगा इस फोन में। बात करते हैं ये फोन कैसा होने वाला है आपके लिए, क्या इस फोन को अमेजोन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बाय करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं कहने वाला हूँ अगर आपका बजट 12,000 रुपीज से भी कम है तो आप इसको जरूर परचेस कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा फोन होने वाला है। क्योंकि भाई यहाँ पे पावरफुल बैटरी प्रोवाइड करे, लुक भी अच्छा प्रोवाइड करे, और डिस्प्ले भी मैं कहने वाला हूँ ठीक ठाक रहने वाला है, और कैमरा तो एवरेज रहने वाला है। तो भाई आप इस फोन को जरूर ले सकते हो। ऐसे भाई Vivo T3 X भी सेम फोन है, उसको भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, सेम प्राइस में आपको 2 फोन मिल जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगला न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।